क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी कि प्रोटोजोआ के जो विभिन्न सब फाइलम क्लासेस, ये मुख्य मुख्य क्लासेस सुपर फाइलम में हमने उठाए हैं और उनकी हमने कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेस्टिकोफोरा, सार्कोरिना, ओपेलाइलिटा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा, सीलिटा और सक्टोरिया, इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं। तो हमने कैरेक्टर लिया, सबसे पहला कैरेक्टर लिया हमने लोकोमोटरी ऑर्डर कि इनके गमनांग कौन कौन से होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो मेस्टिकोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा फ्लैजिला, सार्कोडिना के अंदर सुडोपोडिया, ओपेलाइलिटा में सीलिया के समान फ्लैजिला, स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, कंप्लीटली पैरासाइट्स होते हैं। नीडोस्पोरा के अंदर भी नहीं पाए जाते। सीलिएटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सीलिया होते हैं, जबकि सक्टोरिया के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेंटाकल्स, स्पर्शक होते हैं। और ये स्पर्शक कैसे होते हैं, आपके चूसक प्रकार के होते हैं, सक्टोरियल प्रकार के होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर्स था उनके गमनांगों से संबंधित। दूसरे कैरेक्टर की हम बात करें पेलिकन, तनुक्वा, हमने बात की थी कि इनके शरीर के चारों तरफ लचीली पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है, इसको हम पेलिकन के नाम से जानते हैं। ये पेलिकन मेस्टिकोफोरा में पाई जाती है। सार्कोडिना में ये अनुपस्थित भी हो सकती है, कुछ जीवों में ये कवच के रूप में पाई जाती है, आवरण के रूप में उपस्थित होती है, ओपेलाइलिटा में उपस्थित होती है, स्पोरोजोआ में ये पाई जाती है, नीडोस्पोरा में पाई जाती है, सीलिएटा में पाई जाती है और सक्टोरिया में भी ये पाई जाती है। तो सभी के अंदर आपके पेलिकल तनुक्वा पाई जाती है। सार्कोडिना में कभी कभी क्या होती है, अनुपस्थित होती है या आपके कवच के रूप में या आवरण के रूप में ये पाई जाती है। क्लोरोफिल की हम बात करें तो क्लोरोफिल सिर्फ मेस्टिकोफोरा में पाया जाता है। मेस्टिकोफोरा में भी किन में, फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर ये आपके पाया जाता है। बाकी सभी के अंदर ये क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। और फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर भी हम ल्यूबिना की बात करते हैं, ल्यूबिना के अंदर क्या होता है आपका, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस कारण उसको हम पादप एवं जंतुओं के बीच की योजना कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मेस्टिकोफोरा की बात करें तो जब उसके अंदर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल होने के कारण उसके अंदर जो पोषण होगा वो कैसा होगा, मिक्सोट्रोपी होगा, मिश्र पोषी प्रकार का होगा। वो तो जंतुओं के समान भी पोषण कर सकता है, भोजन कर सकता है और पादपों के समान भी वो भोजन कर सकता है। और साथ ही उसका दूसरा प्रकार क्या होगा, पैरासिटिक परजीवी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अगर सार्कोडिना की बात करें अमीबा भी, तो उसके अंदर प्राणियों के समान पोषण होता है, परजीवी के रूप में भी उसके अंदर पोषण होता है और मृत कोशी रूप में सेप्रोजोइक के रूप में भी उसमें क्या होता है, आपके पोषण पाया जाता है। तीनों ही तरह का पोषण इसके अंदर है, जंतुओं के समान, परजीवी के समान और मृत कोशी के समान इसके अंदर पोषण पाया जाता है। अगर ओपेलाइलिटा की बात करें तो ओपेलाइलिटा भी पोषण कैसा होता है, पैरासिटिक प्रकार का, मतलब ये परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। स्पोरोजोआ भी पैरासिटिक होंगे, नीडोस्पोरा भी आपके पैरासिटिक होंगे, जबकि सीलिएटा है वो होलोजोइक प्रकार का पोषण भी उसमें मिलता है जंतुओं के समान और उसके अंदर पैरासिटिक प्रकार का पोषण भी पाया जाता है। अगर सक्टोरिया की बात करें तो सक्टोरिया के अंदर जो पोषण होता है वो कैसे होता है, जंतुओं के समान होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है। अगर बात करें केंद्रकों की तो केंद्रक मेस्टिकोफोरा के जीवग्रह में एक ही होता है, सार्कोडिना में एक या बहुत सारे हो सकते हैं। और ये जो बहुत सारे होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, एक समान ही दिखाई देते हैं, ये मोनोमॉर्फिक होते हैं। ओपेलाइलिटा में बहुत सारे होंगे और वो सभी भी कैसे होंगे, समान ही पाए होंगे, आइसोमॉर्फिक हम कहते हैं। स्पोरोजोआ की बात करें तो स्पोरोजोआ में केंद्रक सिर्फ एक होगा, नीडोस्पोरा में केंद्रकों की संख्या एक होगी, जबकि सीलिएटा की बात करें तो सीलिएटा के अंदर संख्या कितनी होगी, दो होंगी। मतलब ये केंद्रकीय द्विरूपता दर्शाते हैं, कैरियोटिक डाइमॉर्फिज्म ये दर्शाते हैं। मतलब ये जो केंद्रक दो होंगे वो एक सूक्ष्म होगा और एक ऐसा होगा दीर्घ केंद्रक इनके अंदर पाया जाता है। बात की थी कि सूक्ष्म केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं, जर्मिनल न्यूक्लियस, और बड़े को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव या उसको मैक्रोन्यूक्लियस भी हम कहते हैं। इसी तरह सक्टोरिया के अंदर भी दो केंद्रक पाए जाते हैं और वो भी केंद्रकीय द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसके अंदर भी एक छोटा केंद्रक होता है और एक ऐसा होता है बड़ा केंद्रक उसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स की, संकुचनशील रसदानी की, तो संकुचनशील रसदानी आपके
मेस्टिको फोरा के अंदर उपस्थित होती है, सार्कोडिना के अंदर उपस्थित होती है, बाकी ओपेलाइनेटा, स्पोरोजो और रिनोस्पोरा, ये तीनों ही कैसे आपके पैरासिटिक है, तो इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सीनेटा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दो उपस्थित होती है और सक्टोरिया के अंदर भी आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम कैरेक्टर की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम सिर्फ बात करें इसमें फ्यूजन वाली बात कर रहे हैं, द्विभाजन की बात करें, द्विभाजन का तरीका कैसा होता है, तो अगर मेस्टिकोफोरा की बात करें तो इसके अंदर अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडिनल फ्यूजन होता है, सार्कोडिना की बात करें तो इसके अंदर ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है, अनुप्रस्थ विखंडन होता है, ओपेलाइनेटा की बात करें तो उसके अंदर लॉन्जिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य विखंडन के द्वारा अलगीकरण होता है, स्पोरोजोआ की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुविखंडन के माध्यम से अलगीकरण होता है, निडोस्पोरा की बात करें तो इसके अंदर भी बहुविखंडन के माध्यम से अलगीकरण होता है, सीगेटा की बात करें तो इसके अंदर अनुप्रस्थ विधि के द्वारा अलगीकरण होता है, और जबकि सक्टोरिया की बात करें तो सक्टोरिया के अंदर मुकुलन विधि के माध्यम से अलगीकरण की क्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिकरण की, लैंगिकरण आपके वेस्टिको फोरा के अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, सार्कोडिना के अंदर भी सामान्यतः अनुपस्थित होता है, जबकि ओपेलाइनेटा की बात करें तो ओपेलाइनेटा में सिंगेमी संलयन प्रकार का अलगीकरण होता है, स्पोरोजोआ में सिंगेमी संलयन प्रकार का होता है, निडोस्पोरा में सिंगेमी संलयन प्रकार का होता है, जबकि सीगेटा में जो लैंगिकरण का प्रकार होता है वो संयुग्मन प्रकार का होता है, और सक्टोरिया में पुनः कैसा होता है, संलयन प्रकार का लैंगिकरण आपका पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंतुओं में ट्राइकोसिस नामक विशेष संरचना होती है जो इनकी सुरक्षा करने का काम करती है, एक तरह का सुरक्षात्मक ये ऑर्गन इनके अंदर होता है, और ये जो ट्राइकोसिस होता है किसी के अंदर नहीं मिलता, सिर्फ सीनेटा के प्राणियों के अंदर ये पाया जाता है, बाकी समस्त के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं साइटोस्टोम और साइटोकाइन, इसको कोशिका मुख और कोशिका गुदा भी कहते हैं, तो ये कोशिका मुख और कोशिका गुदा सिर्फ आपके सीनेटा के प्राणियों के अंदर पाई जाती है, बाकी सभी प्राणियों के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये हमने बात की कॉम्परेटिव स्टडी, और कॉम्परेटिव स्टडी में हमने मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना, ओपेलाइनेटा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, सीनेटा और सक्टोरिया को हमने लिया है, और जो कैरेक्टर्स हमने लिए हैं वो 10 प्रकार के कैरेक्टर हमने लिए हैं, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से हैं, पेलिकल की पोजीशन क्या है, उपस्थित है या नहीं है, क्लोरोफिल उपस्थित है या नहीं है, न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूक्लियस है या नहीं है, है तो कितने हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता, होता है तो कौन सा होता है, ट्राइकोसिस ऑर्गन उपस्थित होता है या नहीं होता, और सबसे लास्ट में कोशिका गुद और कोशिका मुख उसमें अंदर उपस्थित होता है अथवा उपस्थित नहीं होता। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हमने प्रोटोजोआ की बात की। वापस हम इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में आर्थिक महत्व की हम बात करते हैं।